वेलकम बैक टू जागो लाहौर। हमें टैलेंट ने भी ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ मौजूद होंगी ईमान मसूद जो कि पेंटर हैं। हम उनसे बात भी करेंगे, अपनी स्टेशनरी लाइन भी वो रन कर रही हैं, उसके हवाले से भी उनसे बात करेंगे। वेलकम टू द शो ईमान, कैसे हैं? मैं बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ईमान, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप इंची के स्टूडेंट हैं जी, तो कब से कर रही हैं पेंटिंग? मैं पेंटिंग तो काफ़ी पहले से कर रही हूँ, बट NCA में मेरा अभी सेकेंड ईयर है। मेरा डिपार्टमेंट फाइन आर्ट्स है, ठीक है, और अभी मैंने मेरा मेजर मिनिएचर पेंटिंग है। पेंटिंग में बहुत पहले से कर रही हूँ। माई फादर वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट और वो भी NCA के ही ग्रेजुएट हैं, तो मैंने बहुत बचपन से पेंटिंग स्टार्ट की थी, बट इतना ज़्यादा उसे सीरियसली या मैंने कभी सीखा नहीं था उस तरह। बट अब जो है, जिस तरह ओ लेवल्स के बाद मेरे पास साइंसेज होते थे, बहुत कंपल्सरी होता था हमारे लिए, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था मैथ्स और ये सब पढ़ना, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट उस साइड पर बिल्कुल भी नहीं था। हाँ जी, तो फिर ए लेवल्स में आके मैंने जब एज अ सब्जेक्ट रखा था आर्ट को, तो तब से मैंने किसी टीचर से उसे सीखा और उसके बाद से मैंने उसे ज्यादा उस पर फोकस किया। अच्छा, किस तरह की पेंटिंग आप करते हो, क्या जॉनर है आपका? मेरा वैसे तो मेरा अब मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हुआ है, तो मिनिएचर पेंटिंग तो एक बिल्कुल एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेंटिंग है, जिसका ओरिजिन है वो मिडिवल टाइम से, ईरान से हुआ था। वो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा उसका है, बट मिनिएचर पेंटिंग में बेसिकली एक बहुत स्पेसिफिक टेक्निक होती है कि आप अपने ब्रशेस खुद बनाते हो, स्क्विरल हेयर से आप अपनी शीट खुद बनाते हो, आप अपने पेंट्स भी खुद बनाते हो, तो वो तो अभी मेरा स्टार्ट हुआ है उसमें। बट उससे पहले जिस तरह मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपने तौर पे जो मैं पेंटिंग्स करती थी, मुझे रियलिज्म और रियलिस्टिक पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा, ये जो पेंटिंग स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके बारे में बताओ। ये एक्चुअली जो है, इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स इसको जब मैंने बनाया था। मेरी असल में इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज्यादा आर्टिस्ट को फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे एक उसमें एक आर्टिस्ट थी जो कि मुझे उसका काम बहुत पसंद होता था, और उसके काम जब भी मैं कभी देखती थी तो मुझे एकदम से खुद पेंट करने का दिल करता था, क्योंकि कभी आपको नहीं आ रहा होता इतना। तो मैंने उसका जब मुझे डिटेल्ड बहुत पसंद था काम, और उसका बिल्कुल वैसा था, तो फिर मैंने ये उसकी एक पेंटिंग को रिक्रिएट करने की कोशिश किया था ऑन अ डिफरेंट स्केल। तो ये ऑयल पेंटिंग। अच्छा, एक साथ में हमें आय की पिक्चर भी नजर आ रही है। उसकी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है कि मैंने भी वो वो अभी इतनी पुरानी नहीं है, मैंने उसे रिसेंटली ही किया था, और मैंने वो भी अपनी रियलिज्म की प्रैक्टिस के लिए, और मैंने डिफरेंट उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ठीक हो गया, किसी एक चीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करके। ये जो आपके हाथ में है ईमान, वो भी दिखाना। ये वाली जो पेंटिंग है, ये एक्रेलिक्स में मैंने की थी, और ये भी एक आर्टिस्ट से ही इंस्पायर्ड है, बट इसमें मैंने मीडियम भी चेंज किया था और स्केल भी चेंज किया था, और ये भी उसी ही टाइम की है जब मुझे बहुत ज्यादा शौक था डिटेल्ड पेंटिंग्स करने का। और यू आर रनिंग अ स्टेशनरी लाइन इज बिल, हाँ, ये बेसिकली अभी हमने इस साल के आई गेस स्टार्ट में ही स्टार्ट किया था। मेरे साथ मेरी 3 और फ्रेंड्स हैं जो कि, और हम 4 लोग जो है, हमने असल में जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी तो मैं बहुत ज्यादा लोगों को देखा था। हमारे सीनियर्स भी थे जो कि बहुत ज्यादा जिन्होंने अपने बिजनेसेस छोटे स्टार्ट किए थे, तो मैं किसी इवेंट पे जाती थी तो हमारा भी बहुत मेरा दिल करता था कि हम भी अपनी एक स्टेशनरी लाइन स्टार्ट करें। ये ईमान, ये आप खुद पेंटिंग करते हो? हाँ जी, ये वाला जो आर्टवर्क है ये मेरा अपना है, और हमारे उसके बारे में ये चीज है कि जिस तरह मैंने बहुत ज्यादा जो शॉप्स हैं वो लोग कहीं से भी किसी भी आर्टिस्ट का काम लेके तो बस उसे प्रिंट कर देते हैं, और उन्हें खुद भी नहीं पता होता और ना ही कोई क्रेडिट्स होते हैं आर्टिस्ट पे। तो ये हमने फिर किया था कि हम लोग अपना आर्टवर्क जो है वो हम खुद बनाते हैं, और ये जिस तरह ये जो छोटी वाली नोटबुक है, ये हमारी नोटबुक्स हैं, नोटबुक्स हैं ये भी, ये मेरी एक फ्रेंड है उसने ये डिजिटली ड्रॉ किया हुआ सारा, और ये हम उसी के कवर्स बनाते हैं, और हमारे जो पेजेस हैं वो भी कस्टमाइज्ड होते हैं। सही सही सही। अच्छा, तेमान स्टिकर्स भी हैं यहाँ? हाँ जी, स्टिकर्स भी हमारे वाटर कलर प्रिंटेड और डिजिटल। ठंडी चाय का ये, हाँ, इट्स ठंडी चाय, मेक मी वांट टू डाई। ये स्टिकर है जनाब, ये डिजिटली ड्रॉ हुआ है, और बाकी के हमने वाटर कलर्स में पेंट किए थे। और लवली लवली, तो कैसा रिस्पॉन्स है मान इसका? अभी तक काफी अच्छा। शुरू में हम लोगों को काफी बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुई थी, बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी होती थी फुल टाइम शाम तक, और उसके बीच में से जाना और बहुत होता था मसला हम लोगों को। लेकिन फिर हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने पहले अपने कॉलेज में ही काफी प्रोडक्ट्स हम लोगों के बिके थे, और हमने बेसिकली स्केचबुक से स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे कॉलेज में हमें पता था कि लोगों को स्केचबुक्स चाहिए होती हैं अच्छे पेपर वाली, और हम खुद पेंट करते थे तो इस चीज का अंदाजा था कि किस तरह का पेपर होना चाहिए और क्या साइज ज्यादा कन्वीनियंट होता है आपके लिए। तो उस हिसाब से हमने बहुत
तरीके से पेपर सेलेक्ट किया जो कि काफी अच्छा है, उसमें बहुत ज्यादा मीडियम्स आप ट्राई कर सकते हैं. तो हमने पहले स्केचबुक्स करी थी वाटर कलर पेजेस में, उसके बाद फिर हमने नोटबुक्स निकाली हैं और अब हम लोगों के आगे बुलेट जर्नल्स भी आएंगे. अच्छा इमान, बहुत सारे लोगों को आर्ट ब्लॉक भी हो जाता है आर्टिस्ट को. हाँ, आपको कभी हुआ? बहुत ज्यादा होता है मुझे. बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब मुझे ना हुआ हो, बट उनके उससे मुझे डील करना ऑनेस्टली कभी सही तरह समझ नहीं आया. बट मैं ये करती थी, मैं छोड़ दिया था. जिस तरह अभी पीछे समर्स में मैंने बहुत ज्यादा टाइम लाइक कुछ भी नहीं पेंट किया, और उससे पिछली समर्स में मैंने बहुत ज्यादा पेंट किया था. तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे क्या हो गया है, क्या मैं भूल गई हूँ या. बट एक दिन खुद ही लाइक ऐसे ही मैं कोई गाना सुन रही थी और फिर लाइक मैंने सुना, लाइक मुझे खुद ही एकदम से इंस्पिरेशन से आई. और फिर रात के वक्त जब बिल्कुल खामोशी होती है, मैंने लाइक पेंट करना स्टार्ट किया और मुझे खुद भी नहीं पता चला कि 3 महीनों के बाद मैंने लिटरली 7 से 8 घंटे तक कंटिन्यूस पेंट किया था. और उसके बाद फिर खुद ही एकदम से ठीक हो गया. ऐसे अमान को मैसेज देना चाहो हमारे देखने वालों को? मैं मैसेज अपने एज के लाइक स्टूडेंट्स को ये दे सकती हूँ जो भी आर्ट परस्यू करना चाहते हैं, ये कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा समझा जाता है, स्पेशली यहाँ पर लोग मतलब बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को और उनको होता है कि बस डॉक्टर या इंजीनियर यही 2 फील्ड्स हैं. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और आर्ट्स में, फाइन आर्ट्स में तो बेसिकली अब बहुत ही ज्यादा फील्ड्स हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कोप है. हमारे जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट वगैरह हैं वो मतलब उनकी पूरी दुनिया में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पे ना काम डिस्प्ले हुआ. तो ये क्यों, और ये चीज कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की बातें सुन के आपको बहुत कभी कभी होगा कि शायद मैं नहीं कर सकती है ऐसा कुछ, बट आई फील लाइक आपको अंदर ये एक होनी चाहिए फीलिंग. हाँ, एक होप होनी चाहिए कि नहीं, लाइक इफ वी वर्क हार्ड तो वी कैन डू इट. हाँ, वी कैन डू इट. लवली, थैंक यू सो मच मान, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. नाउ हमने आपकी मुलाकात टैलेंट से तो करवा दी, अभी हम आपसे इजाजत लेंगे. आपसे मुलाकात होगी कल. हमें फेसबुक पर फीडबैक जरूर दीजिएगा. जागो लाहौर से अभी आपसे हम इजाजत लेते हैं. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़.